इस वक्त गाड़ी जो है वो फंस गई है यहाँ पे एक टीले पे। एक ये टावर है जो पाकिस्तान साइड पे है, ये है वहाँ पे हमने जाना है इस जंगल के एरिया में। वीडियो बना लिए। ये सामने रेंजर की चेक पोस्ट है और इसको अभी हम क्रॉस करेंगे। और इसी तरह से ये डेजर्ट एरिया है, चोलिस्तान डेजर्ट है पाकिस्तान साइड पे, इसको चोलिस्तान कहते हैं, जबकि राजस्थान की साइड पे इसको थार डेजर्ट कहते हैं। इस वक्त गाड़ी जो है वो फंस गई है यहाँ पे एक टीले पे, और असद जो है वो मेरे साथ हैं और हम मुख्तलिफ चीज़ें इसके नीचे रखने लगे हैं। सामने चेक पोस्ट है, बिल्कुल चेक पोस्ट के करीब हैं हम, और अनफॉर्चुनेटली जो गाड़ी है वो फंस गई है। एक ये टावर है जो पाकिस्तान साइड पे है, और दूसरा टावर जो है ये है, वहाँ पे हमने जाना है इस जंगल के एरिया में। इसको ट्रैक्टर के साथ बांध के जो है अभी वो निकालने लगे हैं। ये बॉर्डर के बिल्कुल क्लोज एरिया है, बिल्कुल साथ है बॉर्डर के यहाँ पे राजस्थान के, और यहाँ पे अपोजिट जो है वो इंडिया का अनूपगढ़ है। वैसे तो पूरा इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर ही बड़ा मुनफरिद है, लेकिन राजस्थान का बॉर्डर जो है ये काफ़ी मुख्तलिफ है यहाँ डेजर्ट एरिया में। मैं आपको इसकी आज ज़ीरो लाइन दिखाऊंगा। कोई नहीं, इस वक्त हम बॉर्डर की ज़ीरो लाइन के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे जब हम यहाँ पे करीब जाते हैं जिस मकाम पे आज हम जा रहे हैं, तो उससे पहले वहाँ पे ये एक छोटा सा जंगल आता है और ये नो मैन जोन है। यहाँ बॉर्डर एरिया के अंदर जो है वो किसी को आने की इजाज़त नहीं है, और यहाँ पर सिक्योरिटी भी काफ़ी सख्त है, और पूरे बॉर्डर के अंदर ये वाहिद जगह है जहाँ के ऊपर बॉर्डर के ऊपर जो है वो जंगल है। यहाँ पे इस जगह पे मकामी जो यहाँ के दरख्त हैं चोलिस्तान के वो उगते हैं। ये थोड़ा सा एरिया है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बाकी जो इसकी सराउंडिंग में जो बॉर्डर है वो सारा जो है वो टीलों पे मुश्तमिल है। और ये एक नीची जगह है, ये किसी ज़माने में यहाँ पे दरिया घाघर बहता था, लेकिन अभी उसके खुश्क होने की वजह से जो है ये दरिया का जो उसके रिमेन्स हैं वो बकाया हैं, बाकी जो है वो खुश्क हो चुका है। इसी तरह अभी हम जो है वो ज़ीरो लाइन के बिल्कुल करीब जा रहे हैं, और इस मकान के ऊपर जो है वो जंगल है, और दोनों साइड्स पे, पाकिस्तान की साइड्स पे भी और इंडिया की साइड पे भी जो है इस मकान के ऊपर जंगल है, और यहाँ इंडियन फेंस जो है वो यहाँ ज़ीरो लाइन से काफ़ी पीछे हट के है, और यहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी काफ़ी सख्त है, आम आदमी को यहाँ पे आने की इजाज़त नहीं है, और यहाँ आबादी भी जो है वो काफ़ी तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर पीछे जो है वहाँ पे आबादी नहीं है, वो सारा एरिया जो है वो बिल्कुल वीरान है। ये सामने पाकिस्तान की ऑब्जर्विंग पोस्ट नज़र आ रही है, और कुछ सिक्योरिटी की रीजंस की वजह से मैं कुछ मनाजिर जो है वो आपको नहीं दिखा रहा। और इसी तरह ये पाकिस्तान का जो है वो ज़िला जो है वो बहावल नगर है, जबकि उल्टी साइड पे जो इंडिया की तहसील अनूपगढ़ और ज़िला जो है वहाँ का श्री गंगानगर है, और ये बॉर्डर के बिल्कुल क्लोज मनाजिर हैं। मैंने खुद जो है वो 09 पे यहाँ पे गया था, लेकिन अभी जो है वो मैं उसको दिखा नहीं रहा। तो ये दोनों मुल्कों के जो है वो बॉर्डर जो है पाकिस्तान और इंडिया का, ये दुनिया के जो सबसे ज़्यादा मिलिट्राइज बॉर्डर हैं उनमें शुमार होता है। दोनों साइड्स पे सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी सख्त है, और दोनों साइड्स पे आर्मी BSF और जो पाकिस्तान रेंजर्स हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद होगी, अगर पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।